छात्रगण, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बातें होंगी, चर्चाएं करेंगे और दिशा संबंधी प्रश्नों के अगले पड़ाव पर भी आपको करके चलेंगे छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि कल के डायरेक्शन टेस्ट पर, जो कल की क्लास हमारी डायरेक्शन टेस्ट की थी, उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से शुरुआत के दिशा गायब होते हैं और बाद की दिशा दी हुई होती है प्रश्न में, और उसी बाद की दिशा से हम सब काम करते हैं। छात्रगण, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि डायरेक्शन टेस्ट पर आपका पड़ाव तभी काम आ सकता है जब आप डायरेक्शन टेस्ट में डायरेक्शन को पहचानते हो और दिशा संबंधी आप बाएं और दाएं मुड़ना जानते हो। बस दो काम तो है, आइडेंटिफाई योर डायरेक्शन एंड मस्ट नो अबाउट द लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन इन द डायरेक्शन टेस्ट। यू विल बी एबल टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द ब्लड रिलेशन, रिगार्डिंग द कोडिंग डिकोडिंग, रिगार्डिंग द सिलोगिज्म, रिगार्डिंग द डायरेक्शन टेस्ट। कंसेप्ट क्या है चैप्टर के पीछे घुसा हुआ, उसका कंसेप्ट क्या है? जिस दिन आपने इस चीज को समझने का प्रयास कर लिया छात्रगण, उस दिन आपकी सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। छात्रगण, स्वागत करते हैं छात्रगण और डायरेक्शन टेस्ट के अगले पड़ाव पर आपको लेकर के चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि दूरी कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अभी तक के चार लेक्चर में हमने डायरेक्शन टेस्ट पे काम किया है, दिशा ज्ञात करना सीखा है। आज क्लास में हमारी अगली पावधान पर हम आपको लेके जा रहे हैं, अगले पड़ाव पर आपको लेके चल रहे हैं, और अगला पड़ाव है कि दिशा संबंधी प्रश्नों में दूरी कैसे ज्ञात किया जा सकता है। आइए कुछ बारीकी कंसेप्टों को आपको पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर इसके प्रश्न उत्तर राउंड पर हम सब चलेंगे। टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, सब टॉपिक है हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। अब दिशा की यहाँ बात ना करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम दूरी ज्ञात करने के लिए आपको सिखाएंगे। दूरी के साथ दिशा भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो भी बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। देखिए, दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपना कंसेप्ट डेवलप कीजिए, कुछ बचपन का चीजें याद करिए। आइए आपको पढ़ाते हैं विजुअलाइजेशन। याद होगा मैथ्स के पेडागॉजी में हम विजुअलाइजेशन पढ़ाया है कि शेप वगैरह को लोग पहचानने का प्रयास करता है। आपको मालूम होगा कि ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसको आयत बोलते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आयत की आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, ये 4 मीटर है तो ये भी। देखिए, ये चित्र में आपको बहुत ही अकस्टम करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा कि भाई राम 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता था, जब ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो गया। अंडरस्टूड अपने आप डेवलप होगा। तो ये सब पर आपकी कमांड होनी चाहिए कि हाँ, जो डायरेक्शन टेस्ट में जो हम आरेख बनाएंगे, क्या यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है? एकदम अंदर से सोचिए, क्या यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, क्या यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है? स्क्वायर के केस में आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर के केस पर आप जानते हैं कि स्क्वायर की सभी दिशा आपस में क्या होती है, सभी टोटल का टोटल इसका भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो आप देखिए कि जो आरेख निर्माण कर रहे हैं, कहीं वो स्क्वायर तो नहीं बन जा रहा है, कहीं वो वर्ग तो नहीं बन जा रहा है? अगर बन जा रहा है तो हम लोग, भाई ये 5 मीटर चलता है तो ये भी 5 मीटर हुआ, ये भी 5 मीटर हुआ, ये भी 5 मीटर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, बस थोड़ी सी इसको आइडेंटिफाई कीजिए। और एक काम आपको और करना है, और वो है बचपन का पाइथागोरस वाला थ्योरम जो है उसको याद करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पर जब व्यक्ति मुड़ता है तो देख लीजिए, ये कहानी इसमें स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं कर्ण, ये हो गया आपका लंब, इसको लंब बोलते हैं, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। आपने याद किया होगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ए बी और ये सी है, तो ए सी यानी कि कर्ण ज्ञात कैसे किया जाता था, याद होगा? कर्ण की बात छोड़ दीजिए, हम लोग ए बी सी पे बात करें। तो ए सी ज्ञात करने के लिए ए सी का एक फॉर्मूला हुआ करता है, इसको याद कर लीजिए, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपको याद होगा। ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखिएगा। बाकी आपको हम कोई भी फार्मूला डायरेक्शन टेस्ट पे नहीं पढ़ाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सीधे सीधे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। 3 कंसेप्ट बच्चा अपना दिमाग में रखेगा, बाएं दाएं मुड़ना, डायरेक्शन की पहचान, और साथ ही साथ 3 तरह का चित्र आपके माइंड में होना चाहिए कि चित्र जब हम आरेख बना रहे हैं तो कहीं वहाँ पर रेक्टेंगल तो नहीं बनता है, कहीं वहाँ पर स्क्वायर तो नहीं बनता है, और कहीं वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनता है। इस आधार पर छात्रगण हम सब इसकी गणनाएं करेंगे और बहुत ही मजे तरीके से ऐसे प्रश्नों का हल ढूंढ लेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सीधे आपको लेकर के चलते हैं। ये फॉर्मूला एकदम रट जाइएगा, ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, ये क्रिएट करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन लेकर चलते हैं ना, ऐसा चित्र आपको बनाना पड़ेगा, बना हुआ नहीं रहेगा। अगर बना हुआ रहेगा तब तो ये मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा जी।
आपको ये निकालना होगा कि कहीं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसको पूरा का पूरा आंसर आपको ज्ञात कर लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो डायरेक्शन टेस्ट में सब टॉपिक है हाउ टू फाइंड डिस्टेंस। तो आइए जानते हैं कि डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब एक आगे की ओर आपको लेकर के चलते हैं और सीधे प्रश्न आंसर राउंड पे आते हैं। स्वागत करते हैं छात्रगण और सीधे प्रश्न उत्तर राउंड पे चलते हैं। एकदम डायरेक्शन डिस्टेंस, अमिताभ 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। चलिए अमिताभ को पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर ले चलते हैं। ये याद रखिएगा डिस्टेंस जो ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन थोड़ा सा मतलब आपका बड़ा के लिए बड़ा लाइन, छोटा के लिए छोटा लाइन, तो ये ध्यान रखिएगा 20 किलोमीटर किलोमीटर है ना, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा किलोमीटर या मीटर। चलिए किलोमीटर लिख लेते हैं, जो यूनिट दिया हो उसको लिख लेते हैं। अमिताभ 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण, तो दक्षिण किधर जाएगा, जाहिर बात है नीचे जाएगा, और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ना, ठीक है, ये हो गया 20 किलोमीटर पश्चिम, फिर यहाँ से 6, देखिए 6 का लाइन हम कितना छोटा खींचे, ये 20 का लाइन देख लीजिए और 6 का लाइन देख लीजिए, तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखने से थोड़ा सा अच्छा होता है, क्वेश्चन सही से बनता है। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 12 किलोमीटर पूरब की ओर, पूरब किधर है मेरा, इधर का, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपकी 20 की है, तो जाहिर बात है 12 की लाइन इससे छोटी होगी, तो ये हो गया 12 किलोमीटर। अब देखिए यही आपको काम करना है, जब आप यहाँ इस तरह से लाइन खींच दिए, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये 12 है तो ये भी 12 हो सकता है कि नहीं हो सकता, 12 ये 6 है तो ये भी 6 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, 6 किलोमीटर हो गया। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर का दिया हुआ था, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 20 किलोमीटर दिया हुआ था, ये 12 हुआ, हम लोग क्या दिमाग लगाए, ये 12 तो ये भी 12 कर दिया, अब बचा कितना 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर के यहाँ डाल दो ना यार, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20 हुआ कि नहीं हुआ। यही सब छोटा छोटा दिमाग लगा करके आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बदल सकते हैं। ए बी सी डी करके मान के बना तो उतना टाइम तो नहीं रहेगा कि ए बी सी डी परीक्षा में हम लोग माने, आपको समझाएंगे भी नहीं ए बी सी डी से, डायरेक्ट अपना खींचना सिखाएंगे। सिद्ध अब कहता है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान इसका कहाँ था, यहाँ पर था, या अभी इसका ये स्थान है, तो हमको ये चीज़ निकालना है। हो गया, अब देख लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए बन रहा है, अगर हम इसको ए बी सी डी करके बनाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकालना है, बताइए ये कितना अच्छे तरीके से हम लोग देखिए, चित्र अगर अच्छा बन जाएगा तो आप क्वेश्चन बना पाने में कामयाब होंगे। ये 12, ये 12, ये 6, ये 6, ये 8 किलोमीटर हो गया, अब सीधे इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे, इसका बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये पाइथागोरस है, ये बराबर क्या होगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये बराबर क्या होगा, 8 64 और प्लस 6 36 64 और 36 कितना होता है, 100 स्क्वायर है, 100 का रूट कितना होता है, 10, तो आंसर कितना किलोमीटर आ गया, 10 किलोमीटर, यहाँ पर आंसर है आपका 10 किलोमीटर। तो कितना आसानी से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकता है, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आरेख बनाने में आपने कहीं भी कोई चूक कर दिया, कोई गलती कर दिया, अगर आरेख बनने में आपको कहीं भी मिस्टेक हुई है, तो आप मान के चलिए कि आप जो है निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को गलत कर देंगे, इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इन आरेखों को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए, यू विल गेट योर मार्क्स 100%। ओके, समझ में आ गया एकदम अच्छी तरह से, कोई भी ए बी सी डी नहीं मानने का जरूरत है, चूंकि उतना टाइम नहीं होता है, हम आपको ए बी सी डी में बता के यहाँ ए मान लीजिए, ये बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया, उतना करने का जरूरत नहीं, एग्जाम में टाइम नहीं होता है। जैसे देखिए हम बनाए हैं क्वेश्चन मार्कर रख करके, आपके दिमाग में सारा फॉर्मूला सारा सब कुछ सेटअप है, उस सेटअप के अकॉर्डिंगली इसको ढाल दीजिए, जो आंसर आता है उसको अपना पुटअप कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा सा आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं छात्रगण। छात्रगण अगले प्रश्न पर आपका स्वागत कर रहे हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस अंदाज में। पूर्व पश्चिम सड़क पर एक सड़क है जिसका ये है, वो सड़क कैसा है मेरा, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो पूर्व पश्चिम सड़क पर ये हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, पूर्व पश्चिम सड़क हो गया। तो पूर्व पश्चिम सड़क पर एक्स और वाई एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। हमको नहीं मालूम है अभी एक्स किधर है वाई किधर है, बस इतना दिया हुआ है प्रश्न में कि एक्स और वाई 20 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से खड़े हैं, यानी जो सड़क है वो 20 किलोमीटर लंबी सड़क है। सड़क कितना लंबा मतलब नहीं है, दोनों जो खड़ा है एक्स और वाई 20 किलोमीटर पर खड़ा है। एक्स और वाई एक साथ क्रमशः पूरब और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी लाइन है,
एक्स और वाई एक साथ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स किधर चलना प्रारंभ करता है? पूर्व की ओर। तो एक्स जब चलेगा, देख लीजिए, एक्स और वाई एक साथ क्रमशः, क्रमशः मतलब कह ले पहले एक्स पूर्व की ओर, एक्स किधर मूव करेगा? पूर्व की ओर मूव करेगा। तो एक्स को पूर्व की ओर मूव कराइए और वाई पश्चिम की ओर, वाई किधर चलेगा? पश्चिम की ओर। अब ये डिसाइड हो गया कि एक्स किधर होगा, वाई किधर होगा। एक्स किधर की ओर मूव करता है? पूरब की ओर। वाई किधर मूव करता है? पश्चिम की ओर मूव करता है। ओके, तब एक्स अपने बाएं मुड़ता है, चलने के साथ एक्स बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। चलिए, एक्स चलता है बाएं मुड़ता, एक्स अपना चलना शुरू करता है, बाएं मुड़ता है यहाँ से। चलिए सपोज कीजिए यहाँ इतना दूर चला और यहाँ से वो बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ करके वो चलता है 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। वाई अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वाई भी चलना शुरू करता है और यहाँ से वो भी दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ करके ये भी बंदा जो है 10 किलोमीटर चलता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलता है। तब दोनों अपने बाएं मुड़ते हैं, दोनों अपना बाएं मुड़ता है और समान गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये चला था, ठीक है ना? यहाँ दिया हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ था, है ना? यहाँ से यहाँ चलते हुए लोग 5 मीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये दूरी 5 मीटर का है, बाएं मुड़ करके 5 मीटर, ठीक है ना? और इसका बाएं किधर हो जाएगा? यहाँ से ये इधर चल रहा है तो बाएं इधर हो जाएगा, यहाँ भी ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर। समझ में आ गया अच्छी तरह से? कहीं कोई दिक्कत हो गया? देखिए, क्लियर हो गया? पूर्व पश्चिम सड़क पर एक्स और वाई एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर, एक्स और वाई एक साथ क्रमशः पूर्व पर चलने, तब एक्स अपने बाएं मुड़ता है, एक्स अपने बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वाई अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। हो गया? तब दोनों अपने बाएं मुड़ते हैं और समान गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब उनके बीच कितनी दूरी होगी? देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, आ गया और यहाँ, ये यहाँ पर आ गया, यानी कि 5-10 मीटर, ये 10 किलोमीटर ऊपर में ये चला था और ये कितना चला था? ये भी 10 किलोमीटर चला था। फिर बाएं मुड़ करके 5, तो ये आग आ गया, ये तो अपना इसी जगह पर पहुँच गया, ये तो अपना इसी जगह पर पहुँच गया ना। अपना अगर इसको सीधा लीजिएगा तो ये इसी जगह पर आ गया, यानी एक अपने जगह पर पहुँच गया। लेकिन वाई इस बीच क्या करता है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 और 5, 10 किलोमीटर वो चल चुका होगा। तो बोलता है कि तय कर उनके बीच कितनी दूरी होगी। तो उनके बीच अब कितना किलोमीटर हुआ? यहाँ 20 किलोमीटर माइनस वाई द्वारा चली गई दूरी, ये 5 और ये कितना? 5, 5 और 5, 10 किलोमीटर। तो बराबर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो वाई द्वारा चली गई दूरी कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको समझने का प्रयास किया होगा। छात्रगण, यहाँ से यहाँ तक ये 10 किलोमीटर था, ये भी 10 किलोमीटर था, ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, ये 5 और 5, 10, वाई यहाँ पर पहुँच जाता है और एक्स जो है अपने जगह पर ही पहुँच जाता है। तो सिर्फ 10 किलोमीटर ही माइनस होगा, आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ऑप्शन खोजेंगे, आंसर मार देंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रश्न को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और अगर आप अच्छा से नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आपको रुला देगा। एक्स और वाई सड़क था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई सड़क है, इस एक्स और वाई सड़क एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं, एक्स और वाई एक साथ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, कर दिए हैं, और दोनों 5 किलोमीटर की दूरी, अच्छा और एक चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन में, तब एक अपने बाएं और चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों 5 किलोमीटर चलते हैं। चलिए, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया, और दोनों 5 किलोमीटर चलते हैं, और दोनों 5 किलोमीटर चलते हैं, तो क्वेश्चन तो और आसान हो गया। और दोनों 5 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि एक्स पहले यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चलता है और वाई भी यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चलता है, तब तो क्वेश्चन और आसान हो गया। हो गया, चलते हैं। तब एक्स अपने बाएँ मुड़ता है, एक्स अपना बाएँ मुड़ करके 10 किलोमीटर चला गया, वाई अपने दाएँ मुड़ता है, वाई भी अपना दाएँ मुड़ करके 10 किलोमीटर चला गया। तब दोनों अपने बाएं मुड़ते हैं, फिर दोनों बाएं मुड़ता है, तो ये इधर से बाएं मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर, और समान गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, दोनों बाएं मुड़ करके 5-5 किलोमीटर मिलता है। तो देख लीजिए, ये जब एक्स 5 किलोमीटर बाएं मुड़ेगा तो ये तो बेचारा अपने जगह पर पहुंच जाएगा, लेकिन वाई जब अपने बाएं मुड़ेगा तो ऑलरेडी ये 5 किलोमीटर चल चुका था यहाँ से यहाँ तक में, अगेन 5 किलोमीटर यहाँ ये और चलेगा, तो 5 और 5 ये कितना चला? 10 किलोमीटर। तो 20 में 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर।
वो एक लाइन मेरा क्वेश्चन छूट गया था और दोनों 5 किलोमीटर चलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, आ रहा है ना, वो लिखा हुआ है जो दोनों 5 किलोमीटर चलते हैं, ये बच्चा लोग को दिखाई दे रहा है ना, दोनों 5 किलोमीटर चलते हैं। तो छात्र के इस आधार पर ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। डायरेक्शन टेस्ट में आपको दूरी निकालने में बहुत मजा आ रहा होगा। खुद से जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को खुद से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद बहुत अच्छे से इसको लिखिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न क्यों लेकर के चलते हैं छात्रगण, अगले क्वेश्चन पे हैं, अगले पड़ाव पर हैं डायरेक्शन टेस्ट पे। नरेंद्र किसी निश्चित बिंदु ओ से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं ओ, यहां से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तब वह दाएं मुड़ा तथा 8 किलोमीटर चला। यहां से वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहां से वह दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलता है। ओके, अंत में वह दक्षिण पूर्व की दिशा में 25 किलोमीटर चला। दक्षिण पूर्व कौन है, ये वाला, यहां बोलता है वो 25 किलोमीटर चलता है। यहां से यहां ए चला था, यहां से यहां बी हो गया, यहां से यहां डी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना दे रहा है, 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की दिशा, ये वाला दिशा 25 किलोमीटर दे रहा है, ठीक है ना। तब बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से वह व्यक्ति अब कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये कैसे निकालिएगा। ओके, हाउ यू विल फाइंड द ओडी। यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है 25 किलोमीटर। क्या करेंगे, एकदम जल्दी से बता दीजिए क्या करेंगे। हम सब यहां पे निकाल लेंगे, अगर हम बीओ निकाल लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम ये दूरी निकाल लेते हैं, ये दूरी कितना होगा। अगर ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि बीओ की दूरी कितनी होगी, तो ये बी से लेकर डी तक का दूरी दिया है 25 किलोमीटर। अगर ये निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो मेरा 25 में माइनस कर देंगे उस वैल्यू को। तो जब 25 में माइनस करेंगे तो बताओ ओडी का दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बता रहे। तो सीधे सीधे हम लोग बीओ यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। तो बीओ बराबर क्या हो जाएगा, बीओ बराबर एक बार सूत्र हम लिख देते हैं, इस बीओ का वैल्यू कितना होगा, ए बी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस किसका, एओ का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर। ए बी मेरा कितना दिया हुआ है, ए बी 8 और ये भी 8, 8 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर रूट अंडर 64+64 रूट अंडर 4 4 8 6 6 12 128। आप 128 का वैल्यू कितना होगा, 12 बढ़िया 144 होता है, कुछ 11 पॉइंट कुछ होगा, मोटा मोटी वैल्यू कितना होगा, 11.31 किलोमीटर, ये इसका वैल्यू आया, आ गया। अब हमसे क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तब बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से वह व्यक्ति अब कितनी दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु, ये दूरी हमको निकालने पूछ रहे ओडी। तो बताइए ओडी बराबर क्या होगा, इस ओडी का वैल्यू कितना होगा, 25 किलोमीटर, 25 माइनस कितना है, 11.31 किलोमीटर, ये ना निकला जी। इस ओडी बराबर, इस ओडी का मान हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति कितनी दूरी है, ओ से डी, बी नहीं सॉरी। तो ये ओडी का मान कितना हो जाएगा, तो बीडी, जो बीडी का वैल्यू दिया हुआ 25 किलोमीटर, तो यहाँ 25 माइनस किसका वैल्यू, जो इसका वैल्यू निकला है बीओ का, तो बीडी माइनस बीओ। ओडी बराबर क्या होगा, ओडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीडी माइनस बीओ, तो 25 माइनस 11.31, इसको घटाइएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 25 में 11.31, 10 में 9, 9 में 3 गया 6, 4 में 13.69, कहीं पर है ऑप्शन में 13.69, 10, 20, 15, नन, आंसर क्या हो गया, नन। तो देख लीजिए कितना प्रकार, 13 आ रहा, 14 आ रहा है, 4 ठीक है 13.69। तो कितने आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है छात्र, आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान रखा होना होता है कि कैसे ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। तो आंसर फटाक से मेरा हो गया इसमें नन। आप देख रहे थे कि ये दक्षिण पूर्व की दिशा में ये दूरी मेरा दिया हुआ था, हमको ओडी कैलकुलेट करना है। तुरंत बच्चा दिमाग लगाएगा कि अगर हम बीओ कैलकुलेट कर लेते हैं, अब बीओ का जो वैल्यू आएगा उसको बीडी के वैल्यू में माइनस कर देंगे, तो बीडी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 25 किलोमीटर, ये वैल्यू निकाल करके हम माइनस कर दिए, तो आंसर मेरा कितना आ गया, 13.69। तो बहुत ही आसान तरीके से ऐसे प्रश्न का जवाब दे पाने में हम सब कामयाब हो जाते हैं छात्रगण। तो आज की क्लास भी हम सब इसी प्रश्न के साथ यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली क्लास, अब हमारी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, वहाँ पर अभी डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराएंगे। आपको सलाह, आप क्या करें, कभी भी टीचर्स जो बोर्ड में बना रहा है उसको आपको नहीं देखना है, आप सीधे सीधे प्रश्न को लिखें। प्रश्न लिख लीजिए, लिखने के बाद इसका हल ज्ञात कीजिए, खुद हल ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम हार सा गए हैं,
तब जाकर के टीचर्स को देखिए कि टीचर्स ने इसका हल कैसे निकाला है और तब जाकर के आप इसका सॉल्यूशन देखा कीजिए। छात्रगण, आप सबको मंगल भविष्य की मंगल कामना करते हुए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो बाय, टेक केयर।